सापूतारा के जंगल में नाग जाति के आदिवासी मौत की साए में जी रहे होते। ताड़कासुर नाम का एक राक्षस जंगल में रोज एक इंसान को मारकर खा जाता था, जिस कारण कबीले में हमेशा मातम छाया रहता था। सरदार, ये मेरा इकलौता बेटा है, कृपा करके इसे बचा लीजिए। गंगा बाई, आज तेरे बेटे का नंबर है तो कल मेरे बेटे का नंबर होगा। इस मुसीबत से हमें कोई नहीं बचा सकता। वो देखो, आदम को शैतान आ रहा है, कोई मेरे बेटे को बचा लो। गले में फूलों की माला पहने हुए शिकार के पास ताड़कासुर आता है। तो ये बालक आज मेरा भोजन बनने वाला है ना? ताड़कासुर के डर के कारण कोई कुछ नहीं बोलता, मगर गंगाबाई कहती है, मेरे बेटे को छोड़ो, मेरे बेटे को छोड़ो। छोड़ दूंगा बुढ़िया, मगर इसे खाने के बाद इसकी हड्डियों को छोड़ दूंगा। ताड़कासुर उस गरीब के बेटे को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। अगले दिन राजा सूर्यदेव सिंह का जन्मदिन होता है। एक तरफ गरीब आदिवासी इस मुसीबत से मर रहे होते हैं और दूसरी तरफ राजा सूर्यदेव अपना जन्मदिन मना रहे होते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, कर्णवती के नरेश राजा कर्णदेव सिंह ने आपके जन्मदिन पर यह तोहफा भेजा है। महाराज कर्णदेव सिंह को हमारी ओर से आभार प्रकट किया जाए। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमें बचा लीजिए महाराज। खुशी के मौके पर रोती हुई बुढ़िया को आता देखकर सेनापति उसे रोकने लगता है। रुक जा बुढ़िया, आज महाराज का जन्मदिन है तो खुशी में खलल मत डाल, रुक जा। उसे आने दो सेनापति। बताओ माते, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, ताड़कासुर नाम का एक राक्षस रोज हमारी बस्ती से एक इंसान उठाकर ले जाता है। आज वो मेरे बेटे को लेने आने वाला है, मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। चिंता ना करो माता, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। महाराज, आज आपका जाना उचित नहीं है, आज आपका जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन फिर कभी मना लेंगे सेनापति, आज इस माता के पुत्र को बचाने का सवाल है। राजा सूर्यदेव सिंह उस औरत के साथ कबीले की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो कबीले में पहुंच जाते हैं। महाराज, ये मेरा बेटा है, ताड़कासुर आज इसे ही ले जाने वाला है। तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा माता, आज इसकी जगह मैं ताड़कासुर का सामना करूंगा। कुछ ही देर में ताड़कासुर के आने की आहट सुनाई देती है। मेरा शिकार कहाँ है? आज तुम्हारा शिकार मैं हूँ ताड़कासुर, मार सको तो मार के दिखाओ। अच्छा, पर तू तो यहाँ का राजा है ना, तू यहाँ मरने के लिए क्यों आया है? मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए राजपूत अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। ठीक है, तो आज तेरा ही शिकार सही। ताड़कासुर और सूर्यदेव सिंह के बीच युद्ध होता है। और कुछ ही देर में ताड़कासुर राजा को लेकर अपनी गुफा के पास पहुंच जाता है। तो बता राजन, मरने से पहले तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तू मुझे मारना चाहे तो मार दे, पर मेरी अंतिम इच्छा एक ही है कि आज के बाद तू इन गरीबों को कभी नहीं मारेगा। राजा की अंतिम इच्छा सुनकर ताड़कासुर खुश हो जाता है। तू अच्छा राजा है, इसलिए मैं तुझे कबीले को बचाने का एक रास्ता बताता हूँ। मैं तुझसे चार सवाल करूँगा, अगर चारों सवालों के तूने सही सही जवाब दे दिए तो मैं उन कबीले वालों की जान बख्श दूंगा, ये मेरा वादा है। तो फिर पूछ,
मैं तेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, अगर तू मुझे सही जवाब नहीं दे पाया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। मुझे मंजूर है। ठीक है, तो बता राजन, वो कौन सी चीज है जिससे हम निकल लें तो जिंदा रह सकते हैं, अगर वो हमें निकल ले तो हम मर जाते हैं। ताड़कासुर का सवाल सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ, जवाब नहीं आता क्या? राजा लाख सोचने के बाद भी जवाब नहीं दे पाता, इसलिए ताड़कासुर उसे मारकर खा जाता है। उधर राजमहल में रात होने पर भी राजा के नहीं लौटने पर सब चिंतित होते हैं। राजकुमार, महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? आप चिंता ना करें माता, कल प्रातः काल ही मैं पिताजी को खोजने के लिए निकल पड़ूंगा। अगले दिन राजकुमार अपने पिता की खोज में कबीले की ओर जाने के लिए चल पड़ता है और कुछ ही देर में वो कबीले वालों के पास पहुंच जाता है। माता, मैं यहाँ का राजकुमार हूँ, मैं अपने पिताजी की तलाश में यहाँ आया हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ हैं? बेटे, ताड़कासुर राक्षस उन्हें उठाकर काली पहाड़ी के पास लेकर गया है, पता नहीं अब तक वो जिंदा भी होंगे या नहीं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो मैं उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटे, जोश से नहीं होश से काम लो, ताड़कासुर बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस है, बाबा की मदद लिए बिना उसे मारना संभव नहीं है। हाँ बेटे, उत्तर दिशा में शिव जी के मंदिर के पास एक तपस्वी बाबा रहते हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बाबा से मदद पाने की उम्मीद में राजकुमार शिव जी के मंदिर में बाबा से मिलने के लिए जाता है। बाबा, मैं राजकुमार चंद्रसेन हूँ। मैं जानता हूँ कि तू ताड़कासुर को परास्त करने के लिए मेरी मदद मांगने आया है, मैं तेरी मदद अवश्य करूँगा। शुक्रिया बाबा। ताड़कासुर तुझसे चार सवाल करेगा, मगर उससे पहले मैं तुझसे एक सवाल करूँगा, अगर तू इसका जवाब दे पाया तो ही मैं तेरी मदद कर पाऊंगा। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ बाबा। ठीक है, तो बता, जिंदगी के अलावा मौत इंसान से और क्या छीन लेती है? पहचान। इंसान की मृत्यु होते ही उसकी पहचान मिट जाती है, मरने के बाद लोग उसे नाम से नहीं, डेड बॉडी या मृत देह कह के बुलाते हैं, अर्थात मौत इंसान से जिंदगी के अलावा उसकी पहचान भी छीन लेती है बाबा। राजकुमार के जवाब से खुश होकर बाबा राक्षस को मारने का राज बताते हैं। राजकुमार, राक्षस तुझसे चार सवाल पूछेगा, अगर तूने चारों सवालों के सही सही जवाब दे दिए तो वो तुझे गुफा के अंदर जाने देगा। गुफा के अंदर क्या होगा बाबा? गुफा के अंदर जाते ही तुझे पिंजरे में कैद एक तोता दिखाई देगा, तोते को देखते ही उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देना, राक्षस अपने आप वहीं मर जाएगा। इसका मतलब राक्षस की जान तोते में। बाबा से आशीर्वाद लेकर राजकुमार काली पहाड़ी के पास जाता है। ताड़कासुर, ओ ताड़कासुर, मैं अपने बाबा को लेने आया हूँ, अगर मर्द का बच्चा है तो बाहर आ। तो तू आ गया राजकुमार? हाँ, बता मेरे पिताजी कहाँ हैं? लगता है इसे पता नहीं है कि इसके बाप को तो मैं कब का मार के खा गया, अब मैं इसे बेवकूफ बनाकर गुफा के अंदर भेज देता हूँ, फिर मौका पाते ही मैं इसे भी खा जाऊंगा। हाँ बता दरिंदे, मेरे पिताजी कहाँ हैं? तेरे पिताजी गुफा के अंदर हैं, मगर अंदर जाने से पहले तुझे मेरे चार सवालों के जवाब देने होंगे, बोल, मंजूर है तुझे? मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा, पूछ, क्या पूछना चाहता है तू? सवाल सुनने से पहले मेरी शर्त सुन ले बालक, अगर तूने मेरे एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुझे मार के खा जाऊंगा। मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। तो बता बालक, वो कौन सी चीज है जिससे हम निकल लें तो जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर वो निकल ले तो हम मर जाएंगे? पानी। पानी को हम निकल लेंगे तो जिंदा रहेंगे, मगर पानी हमें निकल लेगा तो हम मर जाएंगे। वाह, तू तो बड़ा ज्ञानी है। अब सुन, मेरा दूसरा सवाल ये है, तो बता, वो क्या है जो बोलने से टूट जाती है? खामोशी। खामोशी बोलने से टूट जाती है। सही जवाब। अब मेरे तीसरे सवाल का जवाब दे, वो क्या है जिसे बहुत ही खराब माना जाता है,
फिर भी उसे पीने के लिए कहा जाता है। चालाक राजकुमार कुछ सोच के बोला, क्रोध, क्रोध जिसे गुस्सा भी कहा जाता है, क्रोध खराब है, लेकिन उसे पीने के लिए कहा जाता है ताकि शांति बनी रहे। राजकुमार के जवाब सुनकर ताड़कासुर खुश हो जाता है। तू तो अति ज्ञानी है बालक, मुझे लगता है कि तू कौन बनेगा करोड़पति में अगर हिस्सा लेगा तो तू अवश्य जीत जाएगा। तू अपनी बकवास बंद कर और सवाल पूछ। तू तो बड़ा गुस्से वाला बालक है। ठीक है, तो मेरा चौथा और अंतिम सवाल सुन ले। वो क्या है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है पर अपनी जगह से कभी नहीं हिलता? राजकुमार ने सोचकर जवाब दिया, रास्ता। रास्ता एक जगह से दूसरी जगह जाता है पर अपनी जगह से कभी नहीं हिलता। वाह, ये जवाब भी तुमने सही दिया। अब तुम अंदर जाकर अपने पिताजी से मिल सकते हो। जाओ बालक। ताड़कासुर ने राजकुमार को धोखे से गुफा के अंदर भेज दिया। राक्षस ने सोचा कि अपने पिताजी को खोजने के लिए जैसे ही राजकुमार गुफा के अंदर जाएगा वो उसे खा जाएगा। मगर राजकुमार को बाबा ने पहले से ही बता दिया था, बेटे तुम्हारे पिताजी को राक्षस ने मार दिया है। बाबा, मैं अपने पिताजी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। बताइए मेरे पिताजी को किसने मारा है? ताड़कासुर नाम के राक्षस ने तुम्हारे पिता को मारा है। बाबा मुझे बताइए कि मैं उससे कैसे बदला ले सकता हूँ। अपने पिताजी के मौत का बदला लेना चाहता है तो सुन, जैसे ही तू उस राक्षस के पास जाएगा तो वो तुझसे चार सवाल पूछेगा। अगर तूने सही सही जवाब दे दिए तो वो तुझे गुफा के अंदर जाने देगा, और जैसे ही तुम गुफा के अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें पिंजरे के अंदर एक कैद तोता दिखाई देगा। तोते को देखते ही तुम उसकी गर्दन मरोड़ कर उसे मार देना, राक्षस भी अपने आप ही मर जाएगा। राजकुमार गुफा के अंदर जाता है। गुफा के अंदर जाते ही राजकुमार को पिंजरे में कैद तोता दिखता है। तोते को देखते ही राजकुमार ने ठीक वैसे ही किया जैसे बाबा ने बताया था। राजकुमार ने बिजली की रफ्तार से तोते को पिंजरे से निकाल लिया। ये देख ताड़कासुर बोला, ये क्या कर रहा है बालक? देख देख, तोते को छोड़ दे, मैं तुझे माला माल कर दूंगा। तू क्या मुझे माला माल करेगा? एक बेटे के लिए सबसे बड़ा धन उसके माता पिता होते हैं, और तूने मेरे बाप को मुझसे छीना है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताड़कासुर के लाख मिन्नत करने के बाद भी राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की मरते ही ताड़कासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। ताड़कासुर को मारने के बाद राजकुमार कबीले में आकर ताड़का वध की सारी बात कबीले वालों को बताई। कबीले वाले ताड़कासुर से मुक्ति मिल जाने के बाद काफी खुश हुए। फिर महल जाने के बाद रानी माँ ने राजकुमार को राजा घोषित किया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।